कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्देश के बाद स्कूल खोलने की तैयारी में कर्नाटक सरकार। उडुपी, चित्रदुर्गा और डोड्डा बल्लापुरा में कर्नाटक पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। मुस्लिम छात्राओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है सुनवाई। यूरोपीय यूनियन की संसद पेगासस जासूसी मामले पर लॉन्च करेगा जांच। दो दिन पहले एल्गार परिषद मामले में 7 अभियुक्तों ने पेगासस मामले की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट की टेक्निकल कमेटी को अपना मोबाइल सौंपा। पेगासस के इस्तेमाल का आरोप। उन्नाव में पूर्व सपा सांसद के बेटे के आश्रम में मिला 22 वर्षीय दलित युवती का शव। युवती की मां ने 24 जनवरी को अखिलेश यादव के सामने सुनवाई नहीं किए जाने के आरोप के साथ की थी आत्मदाह की कोशिश। अखिलेश ने किया था नजरअंदाज। 3 दिनों की बढ़ोतरी के बाद आज शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 773.11 अंकों की गिरावट के साथ 58,152.91 पर बंद और निफ्टी 231.10 अंकों की गिरावट के साथ 17,374.75 पर बंद हुआ। आईटी, रियलिटी और फाइनेंस स्टॉक्स में भारी गिरावट। ऑटोमोबाइल के थोक डिस्पैच में सालाना 19% की गिरावट। कारों की बिक्री 17% गिरी। दोपहिया वाहनों की बिक्री में भी 17% की गिरावट। और यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच युद्ध जैसे हालात बरकरार। यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को राष्ट्रपति जो बाइडेन का संदेश, हालात बिगड़ने के आसार, यूक्रेन छोड़ें।